साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटिंग बायोमाइंड पे एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम एक वायरल डिजीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है, सिलेबस में है हमारे। और ये जो है कॉमन कोल्ड के नाम से जानी जाती है, साधारण खांसी जुकाम जिसे हम बोलते हैं। और बेसिकली जो ये कॉमन कोल्ड नाम की डिजीज है, जिसको साधारण खांसी जुकाम हम कह रहे हैं, ये जो है एक वायरस से होती है और इसको हम बोलते हैं रहीनो वायरस। और ये जो है मोस्ट इन्फेक्टियस डिजीज़ है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सिम्टम्स को लेके अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर चर्चा करेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ये डिजीज़ जो है, इसकी ट्रांसमिशन जो है कैसे होती है, उस बारे में अगर हम चर्चा कर लें तो मैं ये कहूँगा कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन का तरीका है भाई बाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से क्या है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, माइन्यूट टीनी ड्रॉपलेट्स, और ये कब होते हैं, एट द टाइम ऑफ द स्नीजिंग एंड कफिंग। स्नीजिंग और कफिंग के टाइम पे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स आर इनहेल्ड बाय एनी हेल्दी पर्सन, देन दीज वायरस एंटर्स इनटू द बॉडी एंड देन दे कॉज देयर इफेक्ट। और इसके अलावा दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है कि वेरियस कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, वेरियस कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। और ये वेरियस कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स जो है, जो पेशेंट सफर कर रहा है कॉमन कोल्ड से, उसके जो कंटामिनेशन से ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, पेन हो सकता है, डिफरेंट यूटेंसिल्स हो सकते हैं, अगर हम बात करें पेंसिल है, कप है, कीबोर्ड है, इसके अलावा अगर हम बात करें डोर हैंडल है और हैंडकरचीफ है, डिफरेंट जो है कोई बुक्स हैं जो पेशेंट जो है उनको यूज कर रहा है एट द टाइम ऑफ द स्नीजिंग एंड कफिंग। तो जो ड्रॉपलेट्स जो है, जब वो उन सारे ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो वो जैसे ही ड्रॉपलेट्स इन सब के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ही उनका कंटामिनेशन हो जाता है। और ये कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट भी यदि कोई हेल्दी पर्सन जो है इनको टच करता है, रिसीव करता है, हैंड शेकिंग करता है, किशिंग करता है, तो उन सब से क्या होता है कि ये वायरस जो है हमारे कॉन्टैक्ट में आता है। और जब हम अनवॉश्ड हैंड से जो है ना, अगर हम जो है मील अपना ले रहे होते हैं, तो उस दौरान ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है और फिर ये अपने जो है सिम्टम्स जो है उनको प्रोड्यूस करता है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं यदि हम उनके बारे में बात करें, पहले तो एक चीज़ हम जान लें कि ये जो कॉमन कोल्ड का इफेक्ट है, इट लास्ट फॉर 2 to 3 to 7 days। मतलब ये है कि इसका इफेक्ट जो है इस दौरान तक रहेगा। और ये डिजीज जो है क्या करती है, ये अफेक्ट करती है, किसको अफेक्ट करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। लेकिन लंग्स जो होते हैं उनको अफेक्ट नहीं करती है, लंग्स आर नॉट अफेक्टेड। लंग्स जब अफेक्टेड नहीं है, नेजल पैसेज जो है वो अफेक्टेड है। तो इससे जो सिम्टम्स कॉमन जो है आते हैं, कॉमन सिम्टम्स आते हैं, उनके बारे में अगर हम चर्चा कर लें तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें नेजल कंजेशन। नाक जो है उसके अंदर रुकावट हो जाना है, रुकावट हो जाती है, जो फ्लूइड है वो नेजल पैसेज के अंदर जो है आ जाता है, जिसकी वजह से नेजल पैसेज जो है दैट रिमेन कंजेस्टेड। तो वो कंजेशन, नेजल कंजेशन होना पहला सिम्टम है। इसके अलावा अगर हम बात करें शोर थ्रोट, शोर थ्रोट मतलब हम बात कर लें कि गला जो है उसके अंदर दर्द रहता है, स्नीजिंग रहती है, कफिंग रहेगी, माइल्ड फीवर, हल्का बुखार, हेडेक, बॉडी एक, सरदर्द, बदन दर्द, वॉटरी आईज, आंखों में पानी रहता है,
हॉर्सनेस, मतलब गले में खिचखिच जिसको हम कह देते हैं, ये इसकी वजह से रहती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो कॉमन कोल्ड के दौरान जो है होते हैं। और इसका इफ़ेक्ट जो हम बात कर रहे हैं कि लास्ट करता है 3 to 7 days, मतलब हमने 2 लिख दिया, 2 से 7 दिन या 3 से 7 दिन जो है इसका इफ़ेक्ट जो है सामान्यतः रहता है लोगों के अंदर। इसमें जो है क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है तो कोई एंटीबायोटिक्स जो है कोई इफ़ेक्टिव नहीं है वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट, जो है इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सब क्लिनिकल इन्फेक्शन जो हैं उनको रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स जो हैं लिए जा सकते हैं। हाँ, जो विटामिन सी है, विटामिन सी का इंटेक जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, बिल्डअप करता है, तो विटामिन सी जो है थोड़ा सा हमें जो है इसमें रिलीफ जो है दिलवा सकता है जिस डिजीज़ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड जो है एक वायरल डिजीज़ है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके सिम्टम्स के साथ जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। ये थोड़ा सा ही जो है इस इंफॉर्मेशन जो है हमें इसके बारे में जो है देनी होती है। इतना जो एनसीईआरटी के जो का जो सिलेबस है हमारे जो एकेडमिक्स के लिए बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनके लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन जो है सफिशिएंट होती हैं। और इस वीडियो में हम अपने आप को यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे। आगे के वीडियोस में हम और दूसरी जो डिजीजेज हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।